हाँ जी भैया, तो जो लास्ट व्लॉग आपने देखा उसमें एक कार थी, तो आज हम लोग उसको लेने जा रहे हैं पैसे वगैरह देके। तो कितने की है, क्या कुछ है, सारा कुछ बाद में बताएंगे सारा कुछ, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी में, क्योंकि जिसने कार भेजनी है वो पहुंच चुका है। हाँ जी भैया, तो हमने अपने कार अपने नाम करवा ली है और काफी पैसा हमारा लग गया है, तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये हमारी कार है। हाँ जी भैया, तो हम लोग कार ले आए थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये हुंडई सोनाटा 2018 मॉडल, ठीक है, और इसमें हॉर्स पावर 245। तो भैया, ये वाली स्कूटी थी जो हमने रेंट करी थी, इसका जा रहा था 110 या 105 डॉलर की समथिंग रेंट, और हम लोग को ये यूज कर रहे थे। हाँ जी भैया, तो हमने स्कूटी वापस कर दी है और इन लोगों ने बोला कि आपको 20 डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे गाड़ी धुलवाई के। ये भी एक चक्कर होता है, बाहर से धुलवा लो तो 2 रुपए में धुल जाती, 4 रुपए में। हाँ जी भैया, तो हम लोग इसके बाद में सारी गाड़ी की डिटेल बताएंगे, क्या क्या फीचर्स है इसमें वो सारा बताएंगे, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मैं कुछ ये तुम्हें समझाना चाहता हूँ। शायद मैं तुमसे छोटा भी होगा, पर नहीं, मेरे से ज़्यादा छोटे होंगे। तो अभी जैसे मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो एक चीज़ ये समझ लो, देखो यार, गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप बड़े शहर में नहीं रहते, अगर आप रीजनल में रहते हो, तो आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं अपना बता दूँ, जब मैंने पहली गाड़ी ली थी वो मैंने 7 या 8 महीने बाद ली थी। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, कार आ गई है अपनी। तो अगर आपका काम चल रहा है तो गाड़ी मत लो, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो ले लो, बिकॉज जो अभी कंडीशन चल रही है, अगर आपके पास गाड़ी होगी तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप डिलीवरीज कर सकते हो और भी बहुत सारे जॉब्स पे जा सकते हो, दूर दूर जो होती हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना इससे कि आपको और ज़्यादा दिक्कत हो पाए, ठीक है। ऐसा कर्जे उठा उठा के गाड़ियाँ नहीं लेनी है, तो किसी की गाड़ी देख के अपने को छोटा नहीं समझना, ठीक है। क्योंकि मैं सबसे पहले जो मैंने गाड़ी ली थी फोर्ड की थी, एक गाड़ी, ठीक है, छोटी सी थी। अपना घर की कंडीशन और अपनी खुद की कंडीशन देख के ही गाड़ी लेनी है। अभी अगर सोचो कि जो मैंने गाड़ी ली है, ये ली है मैंने 15,000 की, तो मैंने ये ली है 3.5 साल के बाद, ठीक है। इतना पैसा धीरे धीरे जोड़ जोड़ के हमने गाड़ी ली है ऐसा करके। इसके पहले मैंने जो गाड़ियाँ ली, मैंने कम कम पैसे के लिए, पहले जो मैंने फोर्ड वाली ली थी वो थी ली थी $1800 की। अभी गाड़ियों के रेट बहुत ज़्यादा है, उस टाइम बहुत कम थे। फिर जो उसके बाद सबसे महंगी मेरे टाइम में जब मैंने अपनी सबसे महंगी गाड़ी ली थी वो थी 7,500 की, $7,200 की। वो भी मैंने शौक के लिए ली थी, लेकिन ये जो गाड़ी ली है मैंने शौक के लिए नहीं ली है, मेरा काम चलेगा, बिकॉज मैं इस पर ऊबर एक्स कर सकता हूँ और डीडी, जो मतलब जो टैक्सी सर्विसेज होती है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ इस पर, और इसका पैसा मैं कमा सकता हूँ। जब तक आप थोड़ा बहुत स्टैंड नहीं करते हो, तब तक ऐसी हरकतें नहीं करनी कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अपना जब तक काम चला धीरे धीरे चलाओ, किसी को ये मत देखे कि वो मस्टैंग लेके घूम रहा है, फ्लाने मकान लेके घूम रहा है, रेंज रोवर, उनके भैया टाइम निकल चुका है, उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, आप अभी नए नए आए हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आप भटको ना, तो मैं आपको एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, आपका 1 सेमेस्टर हो गया, 2 सेमेस्टर हो गए, अगर आपको समझ नहीं आ रही अपनी डिग्री, आपको पढ़ाई आपकी समझ नहीं आ रही, आप फेल हो रहे हो, तो आप चेंज कर सकते हो आराम से, ठीक है। कोई इतना चक्कर नहीं, आपको बार बार फेल होना और बार बार पैसे देने से बेटर है कि आप अपनी स्टडी चेंज करके कोई और ले लो जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने काफ़ी टाइम से, मैंने पुरानी मेरी वीडियोज़ में, पुरानी मेरी स्टोरीज़ में आपने एक नाम बहुत सुना होगा, AECC, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूँ यार, मैं उनको प्रमोट क्यों कर रहा हूँ, देखो यार, वो एक जेन्युइन सी माइग्रेशन एजेंसी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बार उन्होंने वीज़ा प्रोसेस करवा दिया और बाद में आपको वो छोड़ देंगे, वो आपको PR तक लेके जाते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। अभी ऐसा था कि आपने बहुत सारे टिकटॉक पे वीडियोस देखी होंगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके ना वीज़ा रिफ्यूजल्स हुए हैं, जिन्होंने वीज़ा एक्सटेंशन डाला था या आगे कोई भी वीज़ा डाला था, ऐसा सीन हो रखा है कि इमिग्रेशन ने ईमेल करा और एजेंट्स ने रिप्लाई नहीं किया, तो उस केस में भी आप लोग के रिफ्यूजल्स आ जाते हैं। तो इसलिए एक अच्छा माइग्रेशन एजेंट चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी। और कई लोग, आपने भी ऐसा देखा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो 4-4, 5-5 साल से स्टूडेंट वीज़ा पे ही लगे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से किसी अच्छे माइग्रेशन एजेंट से गाइडेंस ली नहीं है। ऐसे वैसे माइग्रेशन एजेंट होते हैं, उनका सीन ये होता है कि वो आपको स्टूडेंट वीज़ा पे रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से कमीशन आ रहा है। और बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में डाल देते हैं जहाँ पर बहुत सारा कमीशन उनको मिलता है, डजेंट मैटर उस यूनि का लेवल क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका करियर खराब हो जाता है। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि जब आपकी 30 ईयर से ऊपर एज हो जाती है, 31 हो जाते हो आप, तो आपके ना पॉइंट सिस्टम थोड़ा कम हो जाता है आपकी एज वाला। तो हम लोग को उसके पहले पहले हमें अपना PR प्रोसेस करवाना पड़ता सारी चीज़ें हम लोग को। अगर हमने टाइम से, अगर हमने डिग्री कंप्लीट करी है, टाइम से हम लोग TR पे गए हैं, टाइम से हमने अपना 491 या 190 अप्लाई किया है,
तो ही हम आगे जा सकते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर आपके 2-3 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गया और आप चौथे सेमेस्टर में हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ACC वालों के पास जाएं, उनको बताओ कि आपका ये सेमेस्टर खत्म होने वाला है, तो आपने यहाँ से स्टडी करिए, तो वहां से आप सलाह ले सकते हो, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है आपका इतना सेमेस्टर खत्म होने वाला है, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। और बहुत सारे जो रीजनल्स हैं उनका तो सीन अभी ये भी है, जैसे एडिलेड वगैरह में, कि अगर आप वहाँ पर रहते हो, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, ऐसा मैंने सुना है, मेरे कुछ दोस्त वगैरह तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज है, अगर आप रीजनल में करते हो तो आप डायरेक्ट 491 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपने वहाँ से डिग्री करी है, तो वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हो माइग्रेशन एजेंट्स के पास जाके, अच्छे से ये चीज़ें पूछ सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ACC, आप उनको जाके रीच आउट करें, 3 जगह उनके ऑफिसेज हैं, आप उनको डायरेक्ट भी जाके मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो मेरी गाड़ी में बात कर रहा था, ठीक है। तो गाड़ी यार देखो, जो मैंने अब ये वाली ली है ना, तो मैंने बहुत पैसे इकट्ठे करके, बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने ताव में आके लिया, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी गाड़ी ले ली हमने कि जो बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी। गाड़ियां यार जितना मैंने इधर समझा कि अब 3-4 ब्रांड्स की गाड़ियां लो तो ज्यादा बेटर है, एक टोयोटा होगी, एक हुंडई होगी, ठीक है, और माजदा, ठीक है, ये 3 ब्रांड्स ऐसे हैं। अभी किया भी आगे, किया भी अच्छी, उनकी 7-7 साल की वारंटी आती है, ठीक है। तो आप ऐसे ब्रांड्स लो जिनका स्पेयर पार्ट का खर्चा कम है, ठीक है। अभी रेंज रोवर वगैरह लेके घूमोगे, उनके स्पेयर पार्ट्स ही बहुत महंगे हैं और ज्यादा रिलायबल भी नहीं है। अगर आप गूगल भी करोगे, जो मोस्ट अनरिलायबल गाड़ियां आती है उनमें ये जगुआर लैंड रोवर्स की गाड़ियां आती है, तो उनमें मत जाओ, अच्छे से रहो जब तक आप थोड़े सेटल नहीं होते, जब तक आपका एक पक्का वीजा नहीं पड़ जाता है 491 या 190, तब तक आप बड़ी गाड़ी पे खर्चा मत करो। अनलेस आप खर्चा कर सकते हो जब आपको पता है कि आपने उससे पैसा कमाना है, शौक से मत लो, शौक के लिए मत लो, अभी मैंने इससे पैसा कमाना तो मेरे खर्चे निकल जाएंगे। तो अगर हम लोग इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें, तो मतलब नॉर्मल पहले बात करते हैं, ये हमारा ऊबर का टैग है, ऊबर ड्राइवर भी है पार्ट टाइम, ठीक है। इसके सामने काफी बड़ा ग्रिल है, एयर इनटेक के लिए काफी बड़ा है, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अंदर फीचर्स की, तो देखो यार इसमें पुश स्टार्ट बटन वाला ऑप्शन नहीं है और एप्पल कारप्ले नहीं है। ये हमारी मॉडल नंबर 2018 है, लेकिन 2018 में नए मॉडल की गाड़ियां भी आनी चालू हो गई थी, जो सोनाटा का नया मॉडल जिसमें पुश स्टार्ट बटन वगैरह है और सनरूफ भी आता है, लेकिन हमारे वाले में नहीं है और इसमें चाबी घुमानी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा, इसमें एप्पल कारप्ले नहीं है, अगर आपको पर्सनली लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं, मेरे को इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं सीटों की, तो सीटें काफी भाई कंफर्टेबल है, ठीक है, लेदर सीट्स नहीं है बट काम चल जाता है इसमें भी। तो आगे भी काफी स्पेस है, आराम से आप बैठते हो, आपका बॉल लेग ओहो क्यों बज रही हो, और लेग स्पेस बहुत है, ठीक है, ये देखो आराम से। और इसके अलावा हमारे जो गाड़ी की ये है, ये कोनी रख हुई है, ठीक है, पहले से थी, मैंने नहीं करी है, इसमें हमने ये फिस रखा है क्योंकि सम टाइम कोई ना कोई ऊबर टाइम कोई ना कोई बात पुत दे तो ये कर देते हैं हम लोग। इसके अलावा हमने ये अपना फास्ट चार्जिंग वाला लगाया, ये जो केबल है इससे खाली गाने चलते हैं, फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं होती है, जितने परसेंट आपकी बैटरी उतने पे टिकी रहती है वो, ठीक है। ये फास्ट चार्जिंग वाला आता है, ठीक है, ये मैंने लगाया, इसमें 2 सॉकेट्स हैं 12 वोल्ट के, और स्टीयरिंग पे जो सारे फीचर्स होते हैं इसमें, क्रूज कंट्रोल वगैरह भी आराम से, लेकिन इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब आप क्रूज कंट्रोल आपने सेट किया, आगे आपकी गाड़ी आई, आप अपने वो स्लो हो जाती है, और फिर जब वो हटी तो अपने बढ़ जाती है, ऐसा इसमें फीचर नहीं है, नई वाली गाड़ियों में आ गया, ठीक है। बाकी इसमें अरे लगा के दिखाता हूँ कहाँ चाबी, बाकी इसमें सारे सिस्टम मतलब है, आप चेक कर सकते हो सब कुछ। ओहो गाने बंद करो, ठीक है। तो आप ऐसे सेटिंग वगैरह मतलब चेक कर सकते हो, जो भी आपने लगाना है, कितने किलोमीटर की एवरेज वगैरह दे रही है, क्या सिस्टम है, ठीक है। और सेटिंग्स भी है इसमें, सर्विस कब होनी है, फलाना ढिमकाना, डोर्स की सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, साउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है, बंद कर दो। तो पीछे की बात करें तो जैसे मैंने थोड़ी सी अपनी सीट आगे कर रखी है, मैं उसी हिसाब से बैठता हूँ, और ये मैं ऊपर कर रखा है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है ब्रो, आराम से बैठते हो आप लोग। और अगर सिर की बात करें, मैं ना 5'10" 11" के समथिंग हूँ, तो मेरे तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है सिस्टम। और ये हमारा ड्रोन बड़ा है, ठीक है, इसको सीट बेल्ट लगा के रखते हैं। पीछे वाले एरिया में काफी सिस्टम है, मतलब आराम से रखते हैं। और पीछे भी आपको एयर कॉन्स दिए हुए, मतलब वो जो एसी वाला सब क्या है, खिड़कियां दी हुई हैं, तो पीछे जो बंदा बैठता है उसको भी हवा आती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अपने वो कंट्रोल कर सकते हैं अपना। और थोड़ा सा एरिया दिया है, और पीछे एक बोतल आराम से आती है, उधर भी आती है, ठीक है। और नीचे इसको अगर गिरा लो तो आपको इधर कप वगैरह रखने का भी सामान मिल जाता है, चाबी गिरी मेरी। और इसमें ऑटो लॉक हो जाती है, जब गाड़ी मतलब थोड़ी दूर चलती है, मतलब 20 की स्पीड पे वो आप सेटिंग कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक आपके दरवाजे लॉक हो जाते हैं, चलती गाड़ी पे नहीं खुलते हैं दरवाजे, इसके ऑटोमेटिक वो लॉक ही रहते हैं जब तक आप ड्राइवर नहीं खोलेगा। इसके अलावा एक इधर इन्होंने लाइट दी हुई है, और 2 आगे वाली साइड में लाइटें हैं, तो काफी एरिया है, मतलब पूरा घर बना सकते हो इसमें। अगर रहना चाहिए आराम से बंदा सो भी सकता है, काफी बड़ी है। अगर हम लोग बूट स्पेस की बात करते हो, तो भैया बूट स्पेस भी काफी ज्यादा है इसमें, आराम से 2-3 टैची तो आराम से आते हैं। ये मैंने गंद मार रखा चीजें डाल डाल के, तो इसके नीचे ओहो स्टपनी भी दी है और टूल्स भी हैं थोड़े बहुत।
अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, कम से कम 2 महीने तो हो ही गया मेरे को लिए, तो मैंने वीडियो नहीं डाली थी उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो अपने को भी इसको यूज़ करते हुए 2 महीने हो गए, तो हमें ऐसा कोई बड़ा खर्चा वाली दिक्कत तो नहीं लगी है कि हाँ यार कोई गाड़ी बंद हो रही है, रुक रही है, कुछ भी है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, जैसे बीच में मैंने ब्रेक पैड्स डलवाए थे, ब्रेक पैड्स का सीन ऐसा हो गया था कि जिस बंदे ने बेची थी उसने जब डलवाए थे तो जहाँ से उसने डलवाए उसने प्रॉपर हुंडई से नहीं डलवाए होंगे, तो रैपको एक इधर प्राइवेट दुकान है वहाँ से उसने लेके अपने मैकेनिक से डलवाए, प्रॉपर इंसर्ट नहीं हुआ हुआ था अंदर जो कुछ भी सिस्टम होगा। तो जब भी मैंने ब्रेक मारी या उसने मारी तो वो मतलब टूट गया भाई से। तो जब भी मैं ब्रेक मारता था वाइब्रेट करती थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा शेक करती थी, ठीक है। तो फिर जब मैं हुंडई के पास लेके गया था तो मेरे को दिखाया, कह रहे भाई ये देख ऐसा है तेरा। तो उसके चक्कर में मेरी जो डिस्क ब्रेक थी उसकी जो प्लेट होती है वो भी बैंड हो गई थी थोड़ी सी, तो उसके चक्कर में मेरा थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगा था। बाकी तो मेरे को ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं लगा क्योंकि मैंने ऑक्सीजन सेंसर पहले डलवा दिया था। तो अभी तक तो मेरा काम 25 है और इस गाड़ी को मैं अपने अमेजन फ्लैक्स, ऊबर और डीडी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये ना मैंने धुलवानी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। धुलवाने का भी सीन मैं बताता हूँ, रुको। धुलवाने का सीन ये है कि जब मैंने सर्विस करवाने गया था ना हुंडई से, तो उन लोगों ने मेरे को वाउचर दिया था, तो मेरे पास ऐसे 2 हैं। इसका सीन ये है कि हमारे वहाँ ना एक नई कार वॉश खुली है, तो वो लोग अभी वाउचर बांट रहे, सबको नहीं बांट रहे, उन लोगों ने ना कई कई जो हुंडई वाले हैं जैसे उनसे टाइप कर रखा है, जो भी उनके वहाँ सर्विस करवाने आता है उनको ये $40 का जो वाउचर है वो 35 का है, 35 की वैल्यू है, ठीक है। तो फ्री में मिलता, अपनी गाड़ी आपकी अपने अब धुल जाती है, आपको कुछ नहीं करवाना पड़ता। तो मेरे पास 2 है, मेरे को वो करवाना है और काफी दिन से मैं सोच रहा हूँ धुलवाने की, तो धुल नहीं पा रही है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, लगे हुए हैं।